राजनांदगांव की सब इंस्पेक्टर यानी SI इंदिरा वैष्णव राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित होंगी। तीव्रता और ठोस विवेचना के दम पर दुष्कर्मियों को कोर्ट से सजा दिलाने वाले राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को केंद्र गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट विवेचक चुना है। देश के ऐसे 121 अफसरों का चयन कर गृह मंत्रालय ने उन्हें मेडल देने की घोषणा की है। ऐसे में जिन अधिकारियों का चयन हुआ है उसमें राजनांदगांव की इंदिरा वैष्णव, बेमेतरा में पदस्थ DSP राजीव शर्मा, बस्तर में पदस्थ ASI इंदु शर्मा है। इन तीनों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। इंदिरा वैष्णव सब इंस्पेक्टर राजनांदगांव की डोंगरगढ़ थाने में 2019 में पदस्थ थी। इस दौरान 13 जून 2019 को प्रार्थी की नाबालिग बेटी और उनके देवर की नाबालिग बेटी गर्मी की छुट्टी में ननंद के गांव गई हुई थी। घर वापस आते समय दोनों के साथ अशोक देवांगन ने दुष्कर्म किया। घटना में केस दर्ज कराने के बाद विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी को 13 जून 2019 को हिरासत में लिया गया। 8 अगस्त को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट से दोषी सिद्ध होने पर 20 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी मामले को लेकर इंदिरा वैष्णव को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार की जो घोषणा हुई उसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं 2019 में डोंगरगढ़ थाना में पदस्थ थी। उस दौरान एक दुष्कर्म का मामला आया था जिसमें दो नाबालिग बच्चे के साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पदासाजी की गई थी और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर तुरंत जेल दाखिल कराया गया था, और जिसमें विवेचना पूर्ण होने पर साथ चालान पेश किए, जिस अपराध में 20 साल के आरोपी को सजा हुई। वर्तमान में इंदिरा वैष्णव राजनांदगांव के कोतवाली थाना में पदस्थ हैं, जिनका नाम भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट विवेचक के रूप में नामित किया गया है और इनको भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP ने इन तीनों अधिकारियों को बधाई दी। TCP 24 के लिए राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।